हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे सुला वाइनयार्ड स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है, किसी स्टॉक को लेकर एनालिसिस चाहिए, तो उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप सुझाव ले सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सुला वाइनयार्ड। सुला वाइनयार्ड का मंथली जो चार्ट है, उसमें आपको क्या स्थिति नजर आएगी कि स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल कहां पर है? समथिंग 458 के आसपास। आगे रेजिस्टेंस लेवल है, वो है 525 रुपए के आसपास। ओके, RSI 60 के नीचे गई है, यानी कि स्टॉक वीक है। अवॉइड करेंगे, यहां से अवॉइड करना बेटर रहेगा। वीकली चार्ट, वीकली चार्ट RSI 40 पर सपोर्ट है, 40 के नीचे नहीं जा रही RSI, तो यहां से रिकवर होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अभी स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक इस रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा है। निकला था, लेकिन फिर से उसी रेंज में आकर के फंस गया है। दूसरी बात, यहां पर अब देखना होगा स्टॉक लेवल ब्रेक कर पाएगा कि नहीं, लेकिन अभी स्टॉक खरीदारी करने की स्थिति में नहीं है। वीकनेस डेली चार्ट, ये डेली चार्ट में साइडवेज, डेली चार्ट साइडवेज, तो यहां पर अभी अवॉइड करें। फ्रेश एंट्री अभी नहीं लेनी है, अभी स्टॉक को अवॉइड करेंगे। बात करें जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, उनको क्या सलाह है, तो उनको सलाह है अगर ज़्यादा लॉस है तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, और 525 के ऊपर यदि स्टॉक निकलता है तो फिर आपको एवरेज करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर लॉस कम है तो फिर आप 478 के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। 478 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, वहां पर आपको एग्जिट का मौका बन जाएगा यदि लॉस कम है तो। अगर लॉस ज्यादा है तो फिर आपको वेट करना होगा। 525 के ऊपर स्टॉक यदि निकलता है तो आप एवरेज के बारे में सोच सकते हैं। ओके, ध्यान रहे, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी स्टॉक की खरीदारी या बिकवाली में हमारी कोई राय नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।